हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के अगले चैप्टर की तरफ, हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, दैट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस से पहले वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो एक्टिव थी इंडियन सॉइल के अंदर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए, या इनफैक्ट इंडियन जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए, राइट। सो कांग्रेस तो हमारी देखिए बनती है 1885 में, लेकिन 1885 से पहले के जो एसोसिएशन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिव की। तो क्या मोटिव था कांग्रेस का, क्या मोटिव था इन प्री इंडिपेंडेंस या प्री कांग्रेस एसोसिएशन का, राइट। सो हियर वी गो, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एजुकेशन। ओके, सो एज व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एजुकेशन को प्रमोट करना। कि उस टाइम पीरियड पर ऐसा एक बहुत इश्यू चल रहा था कि बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं करते थे, कुछ कास्ट डिवीजन की वजह से नहीं करते थे, तो कुछ के दिमाग में था कि नहीं, पढ़ाई नहीं ही करनी। ओके, फिर उसके अलावा दूसरा था एनहांसिंग इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, कि जो भी इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना है मुझे, जो भी मतलब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जैसा भी जितना भी चल रहा है, ओके, उसके अंदर एक बोलबाला होना चाहिए, उसके अंदर एक से होना चाहिए जो कि इंडियंस का होना चाहिए, राइट। चलो एब्सोल्यूट इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, वो समझ में आ रही थी बात, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंडियन रिप्रेजेंटेशन वहां चाहिए था, राइट। फिर उसके अलावा नेक्स्ट आता है अपोजिंग डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, रीजन बेस्ड या प्लेस ऑफ बर्थ बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो एब्सोल्यूटली आज भी चल रहा है, नो डाउट इन दैट, बट यस कंपैरेटिवली काफी कम हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस टाइम पीरियड की जो हम कहते हैं 19th सेंचुरी इंडिया था, ओके, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पर चल रहा था। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ओके, वंस अगेन सेम कि इंडियंस जो हैं उनको आप रखिए हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर, और उसके अलावा जो प्रेजेंट जो टैक्स सिस्टम है या प्रेजेंट जो हमारा एक मशीनरी है, जिस तरीके से एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो भी रिएक्शंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के, उनको इम्प्रूव किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द प्रेस फ्रीडम, व्हाट वी हैव सीन इन हिस्ट्री, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये दबा देता था जो मीडिया है उसकी आवाज। हेंस एज अ रिजल्ट बहुत कोशिश करी, पूरी तरीके से कोशिश करी है जो है ब्रिटिश ने उस टाइम पीरियड पर, कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो उनके कंट्रोल में रहे, राइट। सो दिस इज व्हाट प्रेस फ्रीडम वी नीड टू डू, वी नीड टू डिस्कस अहेड। ओके, सो द फर्स्ट सोसाइटी इन आवर स्क्रीन, ऑन आवर स्क्रीन हियर इज बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो ये कब बनती है, ये बनती है 1836 में। कौन बनाता है इसे, ध्यान रखना है आपको, इट वॉज नॉट मेड बाई राजा साहब अलोन, इट वॉज मेड बाई द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, देखो दोनों में फर्क है, मेड बाई राजा राम मोहन रॉय और मेड बाई द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, दीज आर द टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, राइट। ओके, सो व्हेन इट वॉज मेड इन 1836 by the associates of Raja Ram Mohan Roy, what was the objective? Objective was the administrative reforms, promote the participation of Indians in the administration and spread education. So, jitne bhi points humne pichli slide mein dekhe hain, wahi ye sare objectives the Bang Bhasha Prakashika Sabha ke. Dusra hai hamare paas Zamindari Association, that is Bengal Landholders Society. So, when it was established, so as you can see here on your screen, 1838, So guys, confused नहीं होना, यहाँ पर 1836 लिखा है, okay? 1836 में काम होना शुरू हो गया था, यानी कि लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया था कि एक एसोसिएशन बनाएंगे, लेकिन फॉर्मली रिकॉग्निशन इसको कब मिलता है, एक फॉर्मल जो इसका सेटअप कब होता है, वो 1838 में होता है, राइट, दैट इज नोन एज जमींदारी एसोसिएशन और द बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी, राइट। So, इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो कौन है, कौन कौन से लोग होंगे जिन्होंने इसकी स्थापना करी, सो द फर्स्ट नेम हियर इज प्रसन्न कुमार टैगोर, अनदर वन इज द द्वारकानाथ टैगोर, एंड द लास्ट नेम हियर वी हैव गॉट राधाकांत दे। तो ये सारे तीन नाम है हमारे पास जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ओके, ऑब्वियसली फोकस कहाँ था, फोकस अब नाम से क्लियर है, जमींदार एसोसिएशन है या लैंडलॉर्ड सोसाइटी है, तो फोकस भी कहाँ होगा, फोकस होगा जितने भी ग्रीवियंसेस हैं हमारे, जितने भी एक्स वाई जेड ग्रीवियंसेस हैं हमारे जो जमींदार्स हैं, ओके, उनको रिजॉल्व करने के लिए, ओके, राइट एवरीवन। सो यहाँ पर क्लियर होगा सारी बातें, लैंड होल्डर सोसाइटी। नेक्स्ट, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी।
तो ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आप देख पा रहे हैं कि एक तो पहली चीज इसका डेट क्या है 1843, ओके, सो इट केम इनटू फॉर्मल प्रेजेंस दैट इज 1843, राइट। लेकिन किसने बनाया था इसे, अगर आप देखो तो इसे एक इंग्लिशमैन ने ही बनाया है इंग्लैंड में, नाम है विलियम एडम, ओके, सो व्हाट्स द नेम, विलियम एडम, ओके, हु वाज अ वेरी क्लोज एसोसिएट टू राजा राम मोहन रॉय, ओके, दे बोथ हैड अ मीटिंग इन लंदन इटसेल्फ व्हेन राजा साहब वेंट देयर, ओके। सो द फर्दर पॉइंट इज व्हाट वाज द गोल, द गोल वाज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डायर कंडीशंस इन व्हिच द ब्रिटिश वर सब्जेक्टिंग द इंडियन पॉपुलेशन एंड फर्दर इंप्रूविंग देयर सर्कमस्टेंसेस। तो यानी कि विलियम एडम जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना चाह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि इंडियन मासेस के साथ ब्रिटिश कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं दिखा रहे, ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एनहांस द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड वी नीड टू प्रोवाइड सम लिबर्टी एंड फ्रीडम और सम टाइप ऑफ राइट्स टू द इंडियन मासेस, दैट इज व्हाट बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इज, ओके। देन वी हैव गॉट ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ओके, दूसरा जो नाम है यहाँ पर आपके सामने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो आप देख पा रहे हो इसका एग्जिस्टेंस जो है 1851 में होता है थ्रू द मर्जर ऑफ द बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदार एसोसिएशन, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स की बनी हुई इंग्लैंड में, राइट। इन दोनों का मर्जर होता है और तैयार होती है क्या, तैयार होती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नाम की सोसाइटी। और क्या था मेन फंक्शन, टू प्रेजेंट पिटिशंस दैट एड्रेस्ड द कंसर्न्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द जनरल पब्लिक, तो पेटिशन फाइल करने का काम था इनका। और अगर एग्जांपल के तौर पर रखें तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर भी आप पढ़ते होंगे अपने पॉलिटी के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा है फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट टू चार्टर एक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। सो उसके अंदर एक आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो उसमें एक पॉइंट ऐड किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ओके, उसमें 6 मेंबर रख दिए गए थे। और ये जो 6 मेंबर्स हैं ये किसके सजेशन पे रखे गए थे, ये रखे गए थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी जो है हमारा उसके रिकमेंडेशन पे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड 1851, और कौन कौन होगा इसके अंदर, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मर्जर होगा जिसके थ्रू बनेगी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ओके, सो नाम से क्लियर होगा ईस्ट इंडिया, ओके। So it was founded by Dada Bhai Nehruji, the grand old man of India, okay, the one who gave the drain of wealth theory as well. कहाँ पर बनी है? ये भी जो है लंदन में बनके तैयार होती है। क्या है टाइम पीरियड इसका? 1867, right? And what is the primary objective? To raise the awareness among the British public about the conditions of India in India and garner the support for the welfare of the Indian people. Or one significant aspect jo iska kya hai, it challenges to the notion of Asians being inferior to Europeans. Dekhiye jo Europeans hai na, wo aaj bhi bahut racist hai. To ek European race supremacy hai, wo unke dimag mein hamesha bani rehti, right? So hence as a result ek wahan pe society bhi bani thi, naam tha ethnological society. ओके, कब बनी थी? लंदन में 1866 में, जो कह रही थी कि नहीं हम तो सुपीरियर हैं, हम तो इंग्लिश हैं, हम तो यूरोपियन हैं, हम तो सुपीरियर हैं। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने अपने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के थ्रू कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब ढकोसले हैं, कहने की बात है, कोई भी रेस इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होती है, दिमाग और अपने कैलिबर, अपने कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क की कहानी है, बस और कुछ नहीं। सो दैट इज व्हाट दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, popularly known as, and he also stated this thing in the drain of wealth theory. Right, next, the Indian League. So it was established, time period kya dekh pa rahe hain aap, 1875 ke andar jo hai, ise establish kiya gaya hai, aur establish kiya kisne hai, to establisher yani ki iske founder jo hai, unka naam hai Sisir Kumar Ghosh, okay, just to foster the spirit of nationalism and promote political education among Indians, right? तो ये लेकर आते हैं, क्या नाम है इनका, सिसिर कुमार घोष सर, क्या नाम है, इंडियन लीग। एंड इट अट्रैक्टेड मेनी मेनी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फर्दर, जैसे कि नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे, आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास,
नाभगोपाल मित्र और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सब इसके मेंबर्स बने। नाम क्या है? इंडियन लीग, दैट इज सिसिर कुमार घोष, 1875। ओके, फिर आता है दूसरा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये कब बनके तैयार होता है? सो व्हाट वी कैन सी, इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1876। ओके, कौन थे? पुराना नाम हमारे पास जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है, आनंद मोहन बोस सर और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सर। तो ये दो नाम रहेंगे हमारे पास जो तैयार करेंगे क्या, हमारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। ओके, सो इट एमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, टू ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशंस कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज। तो जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है ना, वो थोड़ा तो पहली चीज ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव माइंडसेट से चल रहे थे और साथ ही साथ वो प्रो लैंडलॉर्ड थे। Hence, as a result, Anand Mohan Bose और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को लगा कि नहीं यार, ये सही नहीं हो रहा है, we must have a wider application, okay? A wider horizon of thoughts, that is promoting the whole Indian masses rather than just focusing on one class of individuals or one class or a group, whatever, right? So, next we have got Pune Sarvajanik Sabha, okay? So, ऐसे बहुत सारी ऐसी सभाएं हैं जिनके बारे में हमें जो है डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, सो वी हैव गॉट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, नेटिव एसोसिएशन ऑफ मद्रास एंड सो ऑन। ओके, बट वी विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट टॉपिक, दैट इज यू नो टुमारो। ओके, सो आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी आप सभी को। अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज डू लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स गाइज, आई विल फॉर श्योर कम बैक टू यू immediately at earliest possible, right? So guys, ध्यान रखना है आपको, मधुकर सर का जो बैच है, मधुकर कोटवे सर का जो बैच है वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है CSAT का। अगला बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी इसके अंदर एनरोल करना है। और साथ ही साथ आपके लिए हमारे पास नीव बैच और शिखर बैच भी एक्टिव है 12 जुलाई से और 15 जुलाई से, जो ऑलरेडी चालू हो चुका है। सो गाइज, क्विकली एनरोल योरसेल्फ हियर, ओके, डू नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकंड, बिकॉज यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एकेडमी। प्लस 70 प्लस सिलेक्शंस हैव बीन हियर इन यूपीएससी सीएससी 2023। ओके, सो बी पार्ट ऑफ इंडियाज एजुकेशनल रिवोल्यूशन विथ द ग्रेटेस्ट एजुकेटर्स, मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, प्रतीक नायक सर, मधुकर कोटवे सर एंड सिद्धार्थ अरोड़ा सर। Okay, so guys, quickly grab the opportunity and be the next selected candidate in that PDF जो निकल कर आता है upsc.gov.in से, जब final result निकलता है तो उस PDF के अंदर आपका नाम होना चाहिए। और आपको पता है वो नाम कैसे होगा, यो या तो मंजिल बैच से होगा, या तो अचीवर्स बैच से होगा, ओके, या तो फिर शिखर बैच से होगा या नीव बैच से होगा। तो बैच आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, कोई भी बैच आप एनरोल कर सकते हैं अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, उसमें कोई भी जो है लिमिटेशन नहीं है। यू कैन एनरोल फॉर एनी बैच, इफ यू वांट टू चेंज द बैच इन मिड यू कैन आल्सो डू दैट। ओके गाइस, सो दिस इज मी प्रवीण मिश्रा साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।